तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आज आप लोगों के पास 10 से 12 मिनट का वक्त है तो ही इस वीडियो को देखना, अन्यथा इस वीडियो को स्किप करके ख़त्म कर दे सकते हो, या फिर वीडियो को ख़त्म कर दो, कुछ और देख लो जी। लेकिन अगर आप शेयर चैट पर एक एज अ क्रिएटर हैं, एक एज अ चैम्पियन हैं, तो आज आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया सब लोगों ने कि भाई 7 वीडियो देखनी है और 500 रुपये आपके अकाउंट में, 7 वीडियो देखो और 500 रुपये कमाओ। तो ये सभी लोगों पर निर्भर होता है, सभी लोगों पर लागू होता है। अब कैसे कैसे इसके बारे में, क्यों करा है, कैसे मिलेगा, कब करना है आपको, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, भाई वो हमारे चैनल पर अभी से भाई सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ में लगा नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। क्योंकि अगर यार आप चाहते हो ना मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं, तो बस कर दो यार, थोड़ा मेरा भी भला हो जाता है। और भाई लाइक ज़रूर कर देना, मैं मेहनत करता हूं आपके प्यार की वजह से, और अगर आपका प्यार मुझे लाइक पर मिलता है तो मुझे मज़ा आ जाता है भाई। दूसरी चीज़, आप नीचे मेरे अकाउंट को भी आ सकते हो, जी हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे आ सकते हो, क्योंकि मैं अब वहाँ पर एक नया स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला हूँ, कि आप लोगों की आईडीज़ को वहाँ पर प्रमोट करने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो भाई फटाफट से मेरे को फॉलो करिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी, और आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो 7 वीडियो देखना और 500 रुपये मिलना, ये शेयर चैट ने क्यों करा है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो भाई क्राइटेरिया तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो चैम्पियनशिप में आ चुके हैं, यहाँ जो लोग चैम्पियन प्रोग्राम में हैं, उन लोगों के लिए ये अपडेट है, वो लोग यहाँ पर कमा सकते हैं। अब ये करा क्यों है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि भाई देखो, अगर आप शेयरचैट चैम्पियन हो, और शेयरचैट चैम्पियन के बाद अब आप लोगों के वही कमेंट्स मेरे पास आने वाले हैं जो आप लोग हमेशा मेरे को करते हो, कि सर मैं पहले 500 कमा रहा था तो अब 100 आ गया, मेरा 2000 कमा रहा था तो आज मैं 300-400 रुपये ही कमा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कंपटीशन बढ़ चुका है, शेयर चैट ने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को सिखाने का भी एक तरीका दिया जाए, और सीखने के साथ साथ इनको अर्निंग भी जनरेट कराई जाए। तो आपको अब शेयर चैट सिखा भी रहा है, और आप सीख भी रहे हो उससे, और अर्निंग भी आप उसकी मिल रही है आपको। अब यहाँ पर आपको क्रोमा पॉइंट या फिर कर्मा पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना, इसमें कोई कर्मा पॉइंट या फिर कोई स्कोर्स की ज़रूरत भी नहीं है। आपके डायरेक्ट अकाउंट में 500 रुपये होंगे इन वीडियो को देखने के बाद। अब वो 7 वीडियो कौन कौन सी हैं, और किस तरह से शेयर चैट उसमें समझाना चाहता है आपको कि आप इन तरीकों पर, इन सिम्टम्स पर काम करो, तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि शेयर चैट का नया अपडेट है, मैं अपडेट आपको पहले आप एक ये इमेज देख लीजिए, कुछ लोगों के मैसेज में ये इमेज ड्रॉप हो गया होगा, समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब थोड़ा सा आ जाते हैं भाई, 7 वीडियो 7 दिन और 500 रुपये आपके अकाउंट में, 7 दिन भी ना हो, आप 7 वीडियो हर रोज़ देखो और 500 रुपये आप कमाओ, ऐसा भी है, ठीक है। तो अब वो वीडियो किन किन कैटेगरी पर होने वाली है, और क्या आपको उसमें सीखने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ी सी बात आप कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर देखो, पहले जो आपको वीडियो दिखाई जाएगी, यहाँ पर 7 वीडियो में से कौन कौन सी वीडियो आपको दिखाई जाएगी, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर है कि आपको अकाउंट मैनेजमेंट की यहाँ पर वीडियो दिखाई जाएगी। अब अकाउंट मैनेजमेंट की जो वीडियो है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को कि अकाउंट मैनेजमेंट की जो भी वीडियोज़ हैं, कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे लॉग आउट करना है, कैसे अकाउंट को सिक्योर रखना है, कैसे अकाउंट को टर्मिनेट होने से बचाना है, या फिर कैसे अकाउंट सेटिंग्स को ऑन ऑफ करना है अपने अनुसार, लोगों के अनुसार, पीपल्स के अनुसार, और आपके पब्लिसिटी के लिए कितना सेफ और अनसेफ है, उस चीज़ में आपको अकाउंट मैनेजमेंट यहाँ पर सिखाया जाएगा शेयर चैट की उन वीडियोज़ में, जो 7 वीडियो में से पहले नंबर पर आती है, समझ पा रहे हैं। आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। अब दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर आपको वीडियो दिखाई जाएगी एडिटिंग की। थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करने वाली बात है। अब एडिटिंग पर आप क्या करते हो, जो लोग एडिटिंग अच्छी नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर शेयर चैट की खुद वीडियो देखो, और उस वीडियो में आपको एडिटिंग का पार्ट अच्छे से बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आप एडिटिंग कितनी अच्छी से कर सकते हो शेयर चैट की। अगर आप 200 रुपये कमा रहे हो तो कैसे 200 को 5000, 4000, 2000, 200, 500, 600, 1000 रुपये तक आप उसको इंक्रीज कर सकते हो अपनी अर्निंग को। यहाँ पर एडिटिंग का पार्ट इसलिए दिया है। तो ये आता है आपके 7 वीडियो में से दूसरे नंबर वाली वीडियो पर। थोड़ा सा आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, क्या है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर की जो वीडियो आपको दिखाई जाएगी, उसमें आपका आ जाएगा कंटेंट मैनेजमेंट।
अब ये कंटेंट मैनेजमेंट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको हर बार जब वीडियोस में बताता हूँ कि भाई आपका एक कंटेंट होना चाहिए, आपकी जो वीडियोस हैं उसमें आपका खुद का एक कंटेंट होना चाहिए और वो कंटेंट यूनिक होना चाहिए। थोड़े से यहाँ पे यूनिक का मतलब क्यों बताया जाता है कि यूनिक इसलिए बताया जाता है, अगर 100 लोग एक वीडियो बना रहे हैं लाइक ट्वीट करके और उसके बाद स्लो मोशन करके, तो आप भी उनमें नहीं फंसिए भैया, कुछ अलग बनाइए, कुछ अलग कंटेंट उसमें क्रिएटिविटी दिखाइए, तो ये होता है यूनिक कंटेंट। तो यहाँ पर आपको बताया भी जा रहा है तीसरी वीडियो पर कि कंटेंट मैनेजमेंट, कैसे अपने कंटेंट को मैनेज करना है, यहाँ पर आपको तीसरी वीडियो में ये बताया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपकी चौथी वीडियो पर। अब चौथी वीडियो पर क्या है, आपको यहाँ पर वीडियो दिखाई जाएगी लाइटिंग के लिए। फेस पर आज मेरी लाइट है ना, इसीलिए है। तो लाइटिंग की यहाँ पे वीडियो दिखाई जाएगी। यहाँ पे लाइटिंग की वीडियो दिखाने का मतलब क्या है और मकसद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब तो ये है कि आप अच्छा फेस अगर आपका है तो लाइटिंग पर और अच्छा शाइन करेगा, ठीक है। मैं इस वक्त जैसे आपने मेरी हर वीडियोज़ में देखा है, आज की वीडियो में आज मैं थोड़ा सा अलग भी लग रहा हूँ, तो बताइए लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। तो इसकी वजह यह है क्योंकि ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये सामने से लाइट आ रही है और ये पीछे उसका शेडो, तो आज मैंने भी यहाँ पे लाइट लिया हुआ है और लाइट की वजह से आपकी वीडियो में यहाँ पे पॉइंट भी दिया हुआ है शेयर चैट वालों ने कि लाइटिंग आपको कितनी अच्छी रखनी है जिस पर आप शेयर चैट पर अपनी फैंस इंक्रीज़ कर सकते हो, जहाँ पे अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने व्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते हो आप अच्छा दिखकर। अब दिखने के लिए लाइटिंग ज़रूरी है, तो उस लाइटिंग की भी वीडियो बनाई जाएगी, उस लाइटिंग की भी वीडियो आपको दिखाई जाएगी कि आप लाइट का यूज़ कैसे करोगे अपने आप पर या फिर कहीं अदर फेसेस पर, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका चौथे नंबर की वीडियो पर, जो मैंने आपको लाइटिंग का पार्ट अभी बताया। अब आते हैं पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर है आपको वीडियो दिखाई जाएगी म्यूजिक की। अब यहां पर म्यूजिक मतलब और मकसद दोनों आ जाते हैं। मतलब यहां पर यह है कि जो आप म्यूजिक सेलेक्ट करते हो अपने म्यूजिक अपने वीडियोस के लिए, उस वीडियो में जो म्यूजिक होता है बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो जो उसकी शेयर चैट की टर्म्स एंड पॉलिसी के खिलाफ होता है, यानी कि आप जो गैलरी में से अपने म्यूजिक निकालते हो वो म्यूजिक शेयर चैट वाले के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उसको डाल देते हो, तो कहीं ना कहीं वो मिसबिहेव करता है लोगों को, पब्लिक को, इस वजह से शेयर चैट वो अकाउंट पर आपकी वीडियो को ब्लॉक भी कर देता है, अंडर रिव्यू भी कर देता है, या हो सकता है उससे खतरा आपके चैनल पर या फिर आपके पेज तक पहुंच जाए। बात समझ में आ रही होगी आपको, तो यहां पर आपको उस चीज से भी बचना है। अब उसके लिए आपको ये वीडियो शेयर चैट वालों ने दे दी, तो यहां पर आपने ये वीडियो देख लिए। अब आ जाते हैं यहां पे जो आपको छठी वीडियो यहां पर दिखाने वाला है, वो छठी वीडियो है आपकी फ्रेमिंग की। अब यहां पर फ्रेमिंग क्या है, मेरा आप ये ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं बिल्कुल, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये मेरा फ्रेम है, लेकिन मैं एक्चुअली जो शूट कर रहा हूँ वो इस फ्रेम पे कर रहा हूँ, मेरा ये फ्रेम है, लेकिन अभी मेरा हाथ कट रहा होगा, अभी यहाँ कितना रहा होगा, ये तो इतना आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरा फ्रेम है, तो अगर आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बैलेंसेस लगना है, मैं अगर यहाँ पहुँच जाऊँगा तो ये मेरा आउट फ्रेम हो गया, ठीक है, अब बीच में फ्रेम है ही नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बंदे की और ज़रूरत है, हम दोनों वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बीच में हूँ मैं, तो अब मैं फ्रेम पर हूँ, मिड फ्रेम पर हूँ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको फ्रेम से रिलेटेड बताने जाने वाली है आपकी छठी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर भी बात आपको समझ में आ रही होगी, छह वीडियो आपकी हो गई। चलो उसके बाद आते हैं सातवीं वीडियो में आपको क्या दिखाया जाएगा। सातवीं वीडियो में आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा आपके कैमरे की सेटिंग्स और कैमरे के बारे में। अब कैमरे के बारे में तो इंसान नॉर्मली सब कुछ जानता है, लेकिन शेयर चैट कैमरे के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर शेयर चैट खुद से वो बनाएगा और दिखाएगा आपको कि कैमरे पर आपको कैसे काम करना है, कैमरे की क्या क्वालिटी होती है, और कैमरे पर आप जब वीडियो बनाते हैं तो कितना मूवमेंट होना चाहिए, कितना नहीं, कितना ऊपर रखना है, कितना नहीं, कौन सी डिग्री पर रखना है, कौन सा नहीं, कितने एंगल पर रखना है, कितना नहीं, या कैमरे से बहुत सी सेटिंग्स पर भी काम करा जाएगा। और जब कैमरे पे आप इन सारी चीजों को सीख जाओगे तो एक कैमरा रखने का भी आपका अंदाज एक अलग होगा, लाइटिंग लगाने का भी एक अंदाज अलग होगा, आपकी एडिटिंग का करने का भी एक अंदाज अलग होगा, कंटेंट का भी आपका अंदाज एक अलग होगा, डायलॉग डिलीवरी का भी अलग होगा, जी आप खुद स्मार्ट दिखोगे वो भी एक अलग होगा जब आप इन सात वीडियो को देख लोगे। तो आपको यहां पर मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं जल्दी से, सात वीडियो ₹500 आपको मिलने वाले हैं सात वीडियो देख के। अब वो सात वीडियो आपको कौन कौन सी दिखाने जाने वाली थी, तो पहले नंबर पर था अकाउंट मैनेजमेंट जो कि मैंने आपको बता दिया, उसके बाद एडिटिंग भी मैंने आपको बता दिया, कंटेंट मैनेजमेंट भी मैंने आपको बता दिया, लाइटिंग, म्यूजिक और फ्रेमिंग के साथ कैमरा, टोटल हो चुका है आपकी सात वीडियो। अब इन सात वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको अब जानकारी दे देता हूँ, ये सात वीडियो जो हैं वो चैंपियन प्रोग्राम में जो लोग आ चुके हैं
ये उनके लिए ही है और उनके मैसेज में ये मैसेज आता है, यानी उनके मैसेज बॉक्स में शेयरचैट की ऑफिशियल मैसेज पर ये आ जाता है, आप उसमें लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जो लोग चैम्पियनशिप में आए ही नहीं हैं अभी तक, यार उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उनके लिए इतना बताया गया है कि आपके लिए एक नई अपडेट यहाँ पर आने वाली है। जी हाँ, शेयरचैट के लिए एक नई अपडेट भी आने वाली है जो उन लोगों के लिए है जो लोग चैंपियनशिप में अभी तक नहीं आए हैं, जो लोग अर्निंग अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन उनके लिए भी क्या क्राइटेरिया होने वाला है और क्या पॉलिसी उनके लिए नई होने वाली है, ये अभी वक्त आने पर पता लगेगा। फिलहाल वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई अभी मैं कहता हूँ कि यार लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत आप लोगों के लिए मैंने रात भर से जग के करी है, तो एक छोटा सा लाइक तो आपकी तरफ से बनता है। दोस्तों इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप अपनी प्रमोट आईडी करवाना चाहते हैं तो भाई फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको वहाँ पर प्रमोट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय।